हाय, हम आपको लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी देते हैं जो आपकी लाइफ में कभी ना कभी जरूर काम आएगी। तो आइए सुनते हैं इस बार हम आपके लिए क्या नया लेकर आए हैं। स्विमिंग से स्वास्थ्य संबंधित और अन्य कई अद्भुत लाभ होते हैं। ये आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। आप फिट हो सकते हैं, चोट लगने के बाद फिटनेस में वापस आ सकते हैं और गर्भवती होने पर तैर सकते हैं। नियमित तैराकी से इन 7 स्वास्थ्य लाभों को देखने के लिए आगे सुनते रहिए। स्विमिंग आपके जोड़ों के लिए अच्छा है। जब आप किसी चोट से उभर रहे होते हैं या आपके जोड़ों में उच्च प्रभाव तनाव नहीं होता है, तब भी तैरना एक बहुत ही कम प्रभाव वाला तरीका होता है जो सक्रिय रहता है। ये शरीर को व्यायाम में वापस लाने का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि पानी दर्द को कम करता है और जोड़ों को अधिक स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। जब शरीर कम शारीरिक रूप से सक्षम होता है तो तैरना जोड़ों और मांसपेशियों को हिलाने के लिए असुविधा को कम करने का एक अच्छा तरीका है और कभी कभी जोड़ों के दर्द को कम कर सकता है। गर्भवती होने के दौरान स्विमिंग एक शानदार तरीका है। तैराकी गर्भवती होने के दौरान धीरे धीरे व्यायाम करने का एक अच्छा तरीका है। इससे बच्चे पर तनाव नहीं पड़ता है और पानी में हमारे शरीर के वजन के कारण पानी के नीचे चलना बहुत आसान होता है। गर्भवती होने के साथ दर्द और पेट की मांसपेशियों को कसने में मदद कर सकता है। पानी के नीचे शरीर में बढ़े हुए वजन का सपोर्ट करता है और रीढ़ और पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव को कम करता है। ये एक पूर्ण शरीर की कसरत है। तैरना निचले शरीर से ऊपरी शरीर तक विभिन्न मांसपेशियों के बहुत सारे उपयोग करता है। 30 मिनट की स्विमिंग 200 कैलोरीज तक बर्न कर सकती है, इसीलिए ये आपकी दिनचर्या में व्यायाम करने का एक बेहतरीन तरीका साबित हो सकता है। ये शरीर की मांसपेशियों की शक्ति और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सुधार करता है। तैरना फिट और स्वस्थ रहने का एक अच्छा तरीका है और वजन कम करने में मदद भी करता है। ये एक बेहतरीन स्टेमिना बिल्डर है और शरीर के धीरज स्तर को बेहतर बनाने में एक अच्छा तरीका भी है। स्विमिंग से आपका दिल खुश और स्वस्थ रहता है। नियमित रूप से एक्टिव होने के कारण हार्ट अटैक होने की संभावना कम हो सकती है। स्विमिंग एक्टिव रहने का एक बहुत ही सुलभ तरीका है। तैराकी आपके शरीर के चारों ओर ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है और दिल को मजबूत करती है। ये शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को कम करने के लिए दिखाया गया है और टाइप 2 डायबिटीज होने के जोखिम को भी कम करने के लिए साबित हुआ है। नियमित व्यायाम के रूप में तैराकी का उपयोग शरीर में रक्त और रक्त को खुश करने का एक शानदार तरीका है। स्विमिंग परिवार के साथ समय बिताने का एक शानदार तरीका है। अपने परिवार के साथ स्विमिंग से हमें खुशी और पॉजिटिविटी रखने में मदद कर सकता है। ये अक्सर लोगों को आराम और शांत महसूस कराता है, जबकि उन्हें ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कराता है। इसीलिए ये एक महान तनाव रिलीवर है। ये एडल्ट और बच्चों दोनों के लिए एक अद्भुत अभ्यास है और ये बच्चे के जीवन में पॉजिटिविटी और एक्सरसाइज शुरू करने का मजेदार तरीका है। तैरने से शरीर में एंडोफोन नामक रसायन निकलता है जो हमें खुश करता है और हमें मूड को बेहतर बनाने में मदद भी करता है। अस्थमा पीड़ितों के लिए स्विमिंग एक अच्छी प्रैक्टिस है। इंडोर स्विमिंग पूल हमारे तनाव को जिम के बजाय गर्म और नम वातावरण के कारण राहत देती है। लंबी अवधि में कई पीड़ितों में अस्थमा में सुधार के लिए तैराकी को दिखाया गया है और नियमित रूप से तैराकी भी इसके लिए बेहतर है। 2007 में साइंटिफिक वर्ल्ड जर्नल के अध्ययन में भाग लेने वाले 65 वयस्कों को हल्का अस्थमा था। उन्होंने 6 महीने बाद एक बेहतर फेफड़े के कार्य होने और वायु मार्ग की प्रति क्रियाशीलता को कम करने की सूचना दी थी। तैरना शरीर को ठंडा करने में मदद करता है। पसीना और गर्म मौसम अक्सर लोगों को व्यायाम से दूर कर सकते हैं। यदि आपका शरीर अति गर्म होने का खतरा है, खासकर व्यायाम के दौरान, तैरना सक्रिय होने का एक अच्छा तरीका है। पानी का तापमान शरीर के लिए शांत हो सकता है और मांसपेशियों को आराम दे सकता है। यह आपके शरीर के तापमान को ठंडा करेगा और आपकी त्वचा को ठंडा करने में मदद करेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें।